आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज आपको दिखाने वाले हम फैक्ट्री टूर अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस की। आज आपको दिखाएंगे कैसे एक 19 साल का लड़का जो अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस की फैक्ट्री चला रहा है, उसमें जो न्यू मशीन्स डेवलप कर रहा है और कैसे उसने ये फैक्ट्री स्टार्ट करी। मैं खड़ा हूँ इस टाइम फेस 9 इंडस्ट्रियल एरिया में मोहाली में, और ये रोड सीधा जाती है हमारी फैक्ट्री की तरफ। तो आइए आपको दिखाते हैं कहाँ पर एग्जैक्टली ये सिचुएटेड है। सो गाइस, दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये ट्राई सिटी की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आओ अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सो दिस इज़ द ऑफिस। हेलो, और मेरे पापा जिनके आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्होंने हमें सिखाया फैक्ट्री कैसी चलती है, और ही इज़ माई ब्रदर मिस्टर आदित्य गगनेजा। मैंने कहा आज अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस के व्यूअर को, यूट्यूब फैमिली को आज हम फैक्ट्री विजिट कराएं और बताएं इक्विपमेंट्स कैसे बनते हैं और ये सब कुछ उनको सारा गाइड करें। आइए। दिस इज द स्टॉक ऑफ आर पाइप्स, रॉ मटेरियल जो कि हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, एंड दीज आर CR पाइप्स। CR means cold rolled. जो cold rolled pipes होती हैं उनकी tensile strength सबसे ज़्यादा होती है, और finishing wise these are the best quality pipes. इससे better pipes market में available नहीं है। अगर इसकी thickness की बात करें तो we use 2.5 mm thickness, that is more than enough for gym equipments. अगर ये single length की बात करूँ तो this weighs around 35 kilograms. लोगों को डाउट होता है कि आप दिखा कुछ और रहे हैं, बेचते कुछ और हैं, या हमारे जो इक्विपमेंट हमारे पास पहुंचेंगे वो हल्का पाइप का तो नहीं भेज दिया, या उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है या क्या आंसर है? मैं आपको आगे दिखाऊंगा बेंडिंग मशीन में क्यों नहीं हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कैसे हमारा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है। तो जो हम दिखाते हैं सामान एग्जैक्टली वही कैसे मिलता है क्लाइंट को, और हम चाहते हुए भी क्यों नहीं चेंज कर सकते कुछ भी। ये पाइप जाती है कटिंग एरिया में, वो देखो पाइप वहाँ पर कट रही है, उसके बाद आके जाती है बेंडिंग मशीन पर। दिस इज़ आर फुली ऑटोमेटिक CNC बेंडिंग मशीन। इसमें पाइप इंसर्ट करते हैं और ये बेंड होती है। अगर हम 2.5 से कम थिकनेस पाइप का इसमें बेंड करने की कोशिश करेंगे तो पाइप बेंड ही नहीं होगा, फट जाएगा। इसलिए हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ टोटली स्टैंडर्डाइज, और हम अपनी पाइप की थिकनेस कम नहीं कर सकते। ये बल्क में बेंड होने के बाद अलग अलग फोरमैंस के पास अलग अलग बेसिस पे जाते हैं सामान। जैसे कि चारों तरफ आप मेरे देख रहे हैं बेसिस हैं, यहाँ अलग सामान बन रहा है, जैसे यहाँ लेग प्रेस हैक स्क्वाड बन रही है, पीछे उधर लेग प्रेस बन रही है, उधर लेग कर लेग एक्सटेंशन बन रही है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं सुपर स्क्वाट के दो फ्रेम्स तैयार हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग बेस पे जाके सामान बनता है, टैकिंग में बनता है, उसके बाद ये मिग वेल्डिंग के लिए फर्दर आगे और जाता है माल। मिग वेल्डिंग इज़ दी बेस्ट वेल्डिंग मशीन, इसे कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग भी बोला जाता है, एंड इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्डिंग। इससे बेटर, इससे स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग कोई भी नहीं होती है। तो हर एक मशीन हमारी टैकिंग के बाद ये मिग वेल्डिंग के थ्रू जाती है। मिग वेल्डिंग के बाद सामान जाएगा फिनिशिंग के लिए और पाउडर कोटिंग के लिए। अभी हम लोग हैं फिनिशिंग वाले एरिया में। जितना भी सामान यहाँ आता है, हर एक की फिनिशिंग, एक एक जॉइंट की वेल्डिंग को कैसे फिनिश करना है, वो सारा यहाँ पर होता है। उसके लिए ग्राइंडिंग प्रोसेसेस के थ्रू भी जाता है, बफिंग के लिए भी जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, इसमें कोई रस्ट और किसी भी टाइप का कोई पार्टिकल, वेल्डिंग का पार्टिकल कुछ नहीं दिख रहा है। और एक एक जॉइंट जो है हमारा, इसके ऊपर पुट्टी अप्लाई की जाती है ताकि वेल्डिंग ना दिखे। वेल्डिंग को प्रॉपर अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ ये छुपाया जाता है, जैसे कि आपको इंपोर्टेड स्टफ में दिखता है सेम एग्जैक्ट, वैसे यहाँ पे वेल्डिंग को हटा दिया जाता है और ये आपके आगे जाता है पाउडर कोटिंग के लिए। पाउडर कोटिंग बूथ, यहाँ पर एक एक पार्ट पर पाउडर होता है और उसके बाद ये आगे फर्नेस में जाता है। ये फर्नेस को हीट किया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अभी आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये एक एक पार्ट को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाएगा और उसके बाद ये दूसरी साइड से बाहर निकलेगा सामान। एंड वी यूज डुअल कोट पाउडर कोटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें दो बारी कोट अप्लाई होता है, एंड दिस इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो आदित्य, लोगों का एक सवाल है, लोग पूछते हैं कि आपका इक्विपमेंट महंगा क्यों है? लोग कहते हैं कि दिखने में मशीनें सेम है, मार्केट में वो सस्ता मिल रहा है, आपका इक्विपमेंट महंगा क्यों है? तो एक फर्क किस चीज़ का आता है? देखो, देर आर लॉट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स जो कि मैटर करते हैं कि जो एंड कॉस्टिंग है मशीन की वो ज़्यादा क्यों है। उसका मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ, आइए स्टोर में चलते हैं। अब बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कॉस्ट कटिंग बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, मैं दिखाता हूँ उसमें क्या कॉस्ट कटिंग होती है। आप देख पा रहे हैं ये नट्स है, जो ये नट है दीज आर बेस्ट क्वालिटी नायलॉक नट्स। अगर एक नट की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग 10 रुपीज़ अराउंड जाती है। अब मार्केट में नट्स सेम साइज़ के
बहुत ही सस्ते भी अवेलेबल होते हैं। अब एक मशीन में पता नहीं कितने नट्स मिलते हैं, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिस वजह से मशीन की कॉस्टिंग हाई रहती है। अब जैसे ये पुली वाले पार्ट्स हैं, हमारे जो पुली वाले भी पार्ट्स हैं, ऑल दीज पार्ट्स आर मेड अप ऑफ CR शीट्स। अब ये कॉस्ट कटिंग के लिए कई मैन्युफैक्चरर्स HR शीट्स में यूज़ करते हैं, तो ये CR शीट्स की थोड़ी प्राइसिंग हाई होती है। अब जैसे ये शाफ्ट देख रहे हैं आप, दिस इज हार्डन शाफ्ट क्रोम प्लेटेड फॉर लेग प्रेस। अब लेग प्रेस में हम 40 mm थिकनेस की शाफ्ट हम यूज़ करते हैं। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हार्डन शाफ्ट है कि अगर आप इसमें ड्रिल भी करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ड्रिल करना पॉसिबल नहीं है। जो बिट है ड्रिल की वो टूट जाती है, लेकिन इसमें ड्रिल नहीं होता है। अब जितने भी बेयरिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो दर टोटली फ्रेश एंड इम्पोर्टेड जापानीज मेक बेयरिंग्स। एक ब्रांड है जापानीज जिसके हम सारे बेयरिंग्स यूज़ करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्डाइज किया हुआ है हमने अपने सामान को। इसके अलावा जो आप ब्लैक रबर मटेरियल के जो आप पार्ट्स देख पा रहे हैं, वो मार्केट में सेकेंड क्वालिटी ग्रेड के बहुत बनते हैं। तो हमारा जितना भी मटेरियल रहता है इनको मैन्युफैक्चर करने का, दैट इज़ ऑल PVC। एंड PVC में ये सारे इम्पोर्टेड एसेसरीज हम लोग यूज़ करते हैं। अब पुली की अगर हम लोग बात करें, पुली एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर मशीन में यूज़ होती है और जो कॉस्टिंग में हर मशीन में काफ़ी डिफरेंस ले आती है। अब इस पुली की अगर बात करें, दिस इज़ इम्पोर्टेड पुली, इससे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की पुली मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ये क्वालिटी की हम लोग पुली यूज़ करते हैं। दिस इज़ दी वायर दैट वी यूज, दिस इज़ दी बेस्ट क्वालिटी वायर, इम्पोर्टेड वायर, थिकनेस इज 6 mm, इससे बेटर क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। इम्पोर्टेड की भी अगर बात करें तो इम्पोर्टेड में दो क्वालिटी की वायर अवेलेबल होती है, वन इज़ सॉफ्ट एंड वन इज़ हार्ड। सॉफ्टर वन इज़ बेटर क्वालिटी, तो जो ये वायर है ये सॉफ्ट वाली है। दिस इज़ दी बेस्ट वायर दैट वी यूज़ इन आर मशीन्स। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो जो भी आपने अब तक एसेसरीज दिखाई हैं जो यूज़ कर रहे हो, आई कैन कंसिडर और फील कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन मार्केट। इंडीड। और अभी हम लोग हैं फिटिंग और डिस्पैच एरिया में। एक एक सामान यहाँ पर फिट होता है, चेकिंग होती है, सारी एसेसरीज जो सामान में जानी होती है वो इसके साथ पैक होती है, फिर ये सारा का सारा सामान जैसा कि आप देख सकते हैं बबल रैप वगैरह में पैक होके या आगे डिस्पैच एरिया में जाता है डिस्पैच के लिए। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सारे, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे इंडिया की जहाँ के ऑर्डर्स ना हो, तो पैन इंडिया हम लोग सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स। ग्रेट। और ये जैसे मैं देख रहा हूँ 15 ऑर्डर पेंडिंग है अभी, तो ये कितने टाइम तक डिस्पैच हो जाएंगे? ये मार्च के मंथ के ही ऑर्डर्स हैं, उसके आगे वाले ऑर्डर्स हमने लिखे ही नहीं है। अच्छा, अभी लिखे ही नहीं है। हाँ, वो सिर्फ मार्च के मंथ के ऑर्डर है। ग्रेट। तो मतलब आप 15 जिम सेटअप मान के चलूँ हर महीने डिस्पैच कर रहे हैं पूरे इंडिया में? बिल्कुल। ग्रेट। तो बैठे अब और बातचीत करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इतने ऑर्डर्स आते कैसे हैं और प्रोसेस क्या है सारा? देखो, सबसे पहले जो हमारी सेल्स टीम है अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस का, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ बैठती है, वो ऑर्डर्स लेते हैं पैन इंडिया जो कस्टमर्स हैं। फैक्ट्री ऑर्डर मेरे को आता है, उसमें मैं देखता हूँ कि क्या चेंजेस करने हैं, कौन सी चीज़ आउटसोर्स होनी है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेड है, कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर होनी है, कितनी स्टॉक में है, उस हिसाब से जो चीज़ मैन्युफैक्चर होनी होती है फिर उसका हम एक अलग फैक्ट्री ऑर्डर बनाते हैं और वो फिर आगे जो मैनेजर्स हैं प्रोडक्शन इंचार्ज और डिस्पैच इंचार्ज उनको आगे दिए जाते हैं। और बाहर भी अलग बोर्ड लगा हुआ है, जो डिस्पैच इंचार्ज हैं वो अलग अपना मेंटेन करके रखते हैं किस हिसाब से उनको ऑर्डर्स रेडी करवाने ताकि वो टाइमली डिस्पैच हो पाए। एक और जो हमारी प्रॉमिस डेट रहती है डिस्पैच की, 99.9% टाइम्स की वो कभी लेट नहीं होती, जिस डेट को हमने बताया है वो डिस्पैच हम कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी यही होती है कि वो उनकी ना डिले हो जाता है जिम और उनको रेंट पड़ने लग जाता है, और जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं या तो गलत कमिटमेंट करके ऑर्डर प्लेस ऑर्डर पकड़ लेते हैं, उसके बाद टाइमली डिस्पैच नहीं दे पाते। हमने भी बहुत फेस करी है, जब हम जिम चलाते थे जिम इक्विपमेंट्स का ऑर्डर देते थे तो बड़े लेट होके आते थे, तो हमें पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स वाई वी मेक श्योर कि आगे जो हम कमिटमेंट करते हैं वो हम फॉल्स कमिटमेंट ना करें और कमिटमेंट्स पे लूज ना पड़े, तो हमारी जो डिस्पैचेज मोस्टली हमारे टाइमली होते हैं, कभी लेट नहीं। ग्रेट। तो गाइस, आज आपको पता लग गया होगा कि जिम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं और एक फैक्ट्री जो जहाँ पे जिम इक्विपमेंट बनते हैं वो दिखती कैसी है। और अब टाइम है आपको मिलवाने का मिस्टर अमिश गगनेजा से। हेलो अमिश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जितनी भी लेटेस्ट इनोवेशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी या जो भी हम नए नए मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं उसमें अमिश का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और ये इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है आज। तो अमिश, आपके माइंड में इतनी कम उम्र में कैसे आया कि मुझे एक फैक्ट्री चलानी है या इतनी बड़ी फैक्ट्री या इक्विपमेंट्स बनाने शुरू करने हैं, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताओ। भैया का एक सपना था कि फैक्ट्री खोलनी है अपनी जिम इक्विपमेंट्स की, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड वेल्डिंग कैसे होती है, किस हिसाब से उसे छुपाया जाता है, ग्राइंडर वगैरह बेसिक चीज़ें मैंने सीखनी शुरू करी। सहारनपुर में एक छोटी सी फैक्ट्री थी स्टील फर्नीचर्स की, वहाँ से।
तो गाइज आप देख सकते हो कि एक स्टील फर्नीचर की फैक्ट्री से इन्होंने एक्सपोजर लिया, जहाँ से इनको बेसिक्स पता लगे कि पाइप्स के साथ फर्नीचर कैसे बनता है, और वहाँ से इनका दिमाग इक्विपमेंट्स में गया। तो गाइज आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज काफ़ी पता लगा होगा जिम इक्विपमेंट्स के बारे में। एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेयर अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, अभिषेक अग्नेजा दिस साइड, टेक केयर एंड विल सी यू सून इन अपकमिंग वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।